नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में 20 नए कोरोना पॉजिटिव और कुल एक्टिव मामले 68। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार कोविड 19 टीकाकरण, रविवार को बीदर ब्रिम्स अस्पताल की टीम संग टीकाकरण अभियान। डॉक्टर मार्तन राव के नेतृत्व में कोविड टीकाकरण अभियान में जुटे नौबाद स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी व कर्मचारी। महाराष्ट्र में आज 44,388 नए कोविड मामले और 12 मौतें दर्ज। मुंबई में 19,474 कोविड मामले और 7 की हुई मौत। कुल एक्टिव मामले 1,17,434। अब ओमिक्रॉन के भाई का कहर, तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा ये नया वेरिएंट। देश में 24 घंटे में आए 1.79 लाख नए केस, प्रिकॉशन डोज की हुई शुरुआत। 100 गरीब बेटियों की हर वर्ष कराऊंगा शादी, मसूद आलम खान ने की घोषणा। जिताने वालों को सरकार बनने पर इनाम देगी माया, दिल्ली में अखिलेश जैन की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। प्रिकॉशन डोज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा कोविन पर हुई शुरू, आज से लगाई जा रही है वैक्सीन। देश में आज से लगेगी कोविड 19 की बूस्टर डोज, हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स। भारत में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1,79,723 नए मामले, 146 लोगों की हुई मौत। तीसरी लहर के बीच ट्रेंड हुआ हैशटैग #Dolo650, यूजर्स बोले ये दवाई तो ऑलराउंडर है। ब्राजील, झील में चट्टान गिरने की घटना में 10 हुई मरने वालों की संख्या। मुंबई, भाईखला में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली में अपर आयुक्त समेत 300 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। ब्राजील, हथकड़ी बंदी होने के बाद भी पुलिस की चलती गाड़ी से भागा कैदी, वीडियो फिल्म इस सीन से कम नहीं। जम्मू कश्मीर, कुलगाम एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया गया ढेर। न्यूयॉर्क, इमारत में आग लगने से 19 की मौत, 9 बच्चे भी शामिल। पीएम सुरक्षा चूक मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक, उम्मीदवारों पर मंथन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना, 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार, बोले मुझे फोर्स नहीं कर सकते। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में बढ़ गई मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संकट में वकीलों के लिए हेल्पलाइन, घर बैठे रजिस्ट्री से होगा संपर्क। पंजाब इलेक्शन 2022, संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आपके साथ गठबंधन से किया इनकार। नामीबिया के ओजो जोंडपा क्षेत्र के खोबा वेस्ट में गिरा था पृथ्वी का सबसे बड़ा उल्कापिंड, वजन इतना कि आज तक किसी ने नहीं हिलाया। राकेश राणा, राजपूत हूँ, नौकरी चली गई पर मूछ नहीं कटेगी, सस्पेंड होने के बाद कांस्टेबल का ताव। खतरनाक साबित हो सकती है तीसरी लहर, हफ्ते भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 54% बढ़ा। आम आदमी के लिए रेल का सफर हो जाएगा महंगा। हरियाणा में कोरोना के 5,166 नए केस। यूपी चुनाव, राजभर का दावा, समाजवादी पार्टी से होगा अपना दल का गठबंधन। यूपी, कहानी डॉन मुन्ना बजरंगी की जो पोस्टमार्टम हाउस से जिंदा लौट आया था, विधानसभा में जश्न मनाने के बाद निराश हो गए थे कल्याण सिंह। ब्लू सेमी ने लॉन्च किया अपना हेल्थ केयर डिवाइस, कुल 60 सेकंड में घर बैठे पता चलेगा ईसीजी, हार्ट रेट और बीपी समेत सब कुछ। निया ने लगाए शो में 4 चांद तो सलमान ने दिखाए तीखे तेवर। कोविड नियम तोड़ने के आरोप में शिवकुमार और सिद्धरामैया पर एफआईआर दर्ज, करेगी कर्नाटक सरकार। यूपी, बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जाहिर गिरफ्तार, करवाई थी फिरोज पप्पू की हत्या। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, माइकल लोबो ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। मुंबई, घाटकोपर के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस लीक, एक की मौत, 2 घायल। धर्म संसद में हेट स्पीच, सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार, कपिल सिब्बल ने उठाया था मुद्दा। बर्फीले तूफान में सीना ताने खड़ा भारतीय सैनिक, 10 लाख लोगों ने देखा वायरल वीडियो।
ऋतिक घर लाए नया मेहमान, लिखा मुझे जब भी देखो हाय जरूर बोलना, नया मेहमान एक डॉग है। जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अलबद्र के दो आतंकी ढेर। झारखंड बोकारो रामगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक ने ऑटो को रौंदा, चार की मौत 15 घायल। किसान अब बीवी का चेहरा देख पाता है तो दो की बजाय 10 रोटी खाता है, बोले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।